हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर उर्दू क्लास सिक्स वर्क। लेट अस बिगिन स्टडिंग। चैप्टर है हमारा टू और चैप्टर का जो नेम है हमारा हज़रत बिलाल। ठीक है, तो मैं आपको रीडिंग कराऊंगी और आप उसे रीडिंग देखना कि मैं आपको रीडिंग कराती हूँ, उसे सुनना ध्यान से और फिर आपको उसे अच्छे से लर्न करना है। हज़रत बिलाल मशहूर साहबी है। शुरू में आप एक काफिर के गुलाम थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आपको सख्त तकलीफें दी जाती थी। एक शख्स जो मुसलमानों का दुश्मन था, आपको सख्त गर्मी में तपती हुई रेत पर लटकाकर आपके सीने पर भारी पत्थर रख देता था और कहता था कि या तो वो इस्लाम छोड़ दे या इस हालत में मर जाए, मगर आप इस हालत में भी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है कहते रहते। आपके साथ जुल्मों की इंतहा कर दी गई। रात में आपको जंजीरों में बांध कर कोड़े मारे जाते और अगले दिन उनके जख्मी जिस्म को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया जाता, ताकि वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सके और इस्लाम से फिर जाए। फिर भी आप कहते कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो और पत्थरों को ना पूजो। हज़रत अबू बकर सदीक से आपकी ये हालत देखी नहीं गई और आपने हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। अल्लाह ने आपको अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार यानी मस्जिद नबी में मुअज्जिन बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप जिहाद की नियत से मदीना मनव्वर से चल दिए और अरसे तक वहां लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो दोबारा मदीना मनव्वर लौट कर आए और चंद रोज़ क़याम के बाद फिर वापस हो गए। 20 के करीब दमशक में आपका इंतकाल हो गया। अल्फाज अब है आपके अल्फाज मायने, ठीक है। अल्फाज मायने वो आपको अपनी नोटबुक में करने, जैसे ये है सहाबी, तो सहाबी का जो मतलब है ये है आपका, देखो इसमें जो मायने हैं वो है इंसान जिन्होंने ईमान वो इस्लाम की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ठीक है। तो यहाँ आपको जितने भी अल्फाज मायने अपनी नोटबुक में करने, फिर आपका सही जवाब पर सही का निशान लगाए। तो देखो इसमें सही का निशान लगाने, जैसे ये है हज़रत बिलाल कौन है, तो इसमें नंबर वन सहाबी, नंबर टू नबी, नंबर थ्री ताबी। तो इसमें हमारा कौन है, सहाबी, ठीक है। इस पे हमारा राइट का निशान लगाना है, आपको नीचे भी ऐसे ही करना है। फिर एक खाली जगह भरे, खाली जगह हमें भरनी है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं दो दो और उनमें से देखना कि हमारा कौन सा सही है, वो हमें यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो फिर हमारा सही जमली के सामने, सही और गलत जमली के सामने गलत का निशान लगाए। तो इसमें जैसे हमारा ये है नंबर वन, हज़रत बिलाल एक मशहूर साहबी है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो आपको ये भी सारे बाकी के ऐसे ही करने हैं। फिर है दर्ज ज़ेल अल्फाज की जमा लिखे, तो हमें इसमें जमा बनानी है। जैसे सहाबी है तो इसमें आ सहाबी, इसमें अलिफ और जुड़ जाएगा, आ सहाबी बोला जाएगा। फिर है हालत, तो इसमें हालात। फिर है जंजीर, तो जंजीरों। तकलीफ, तकलीफ़े। इबादत, इबादात। फिर है दर्ज ज़ेल अल्फाज के वाहिद लिखे, तो इसमें हमारे जमा हो गई, इसमें हमारे वाहिद। तो वाहिद कैसे बनाने, जैसे ये मुसलमानों, तो इसमें हमें मुसलमान बनाना है, ठीक है, मुसलमान लिख दिया। फिर जंजीरों, तो जंजीर। पत्थरों, तो पत्थर। हालतें, हालात। मर्तबे, मर्तबे, तो मर्तबा, ठीक है। दर्ज ज़ेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए, तो इसमें हमें इमला दुरुस्त करना है। जैसे ये सहाबी लिखा है लेकिन इसमें सीन दे दिया, हमें यहाँ पर स्वाद से बनाना है सहाबी। इसमें तकलीफ़, तो इसमें हमारा काप दे दिया बड़ा, इसमें हमें छोटा बनाना है, ठीक है। फिर सदीक, तो इसमें हमें सीन की जगह स्वाद बनाना है। फिर कबूल, तो कबूल काप की जगह दूसरा जो हमारा बड़ा काप होता है उसमें ये काप बनाना है। फिर जुल्म,
तो इसमें हमें जिम की जगह जोए बनाना है। फिर दर्ज जे फिर दिए गए सवालों के जवाब लिखे, तो हमें इसमें जवाब लिखने हैं। तो जैसे ये हज़रत बिलाल कौन था, तो हज़रत बिलाल एक मशहूर सहाबी था। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और बाकी का जो है आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।